अच्छा डॉक्टर कपूर, जैसे लेसिक सर्जरी होती है, आप उसमें विशेषज्ञ हैं, ये कब होती है और किस उम्र के लोगों के लिए होती है और इस तरह के पेशेंट्स कौन होते हैं? ये सर्जरी 18 साल की उम्र के बाद ही होती है। अच्छा, दूसरी बात, उनका नंबर स्टेबल हो जाना चाहिए, जिनका नंबर बढ़ते जा रहा है उन पे नहीं करते। यहाँ एक बार पूछूंगा, एक बीमारी क्या है, एक क्यों सर्जरी की जाए? ये आज तक अगर किसको चश्मे का नंबर था उसको बीमारी नहीं कहते थे, उसको चश्मा पहना के भेज देते थे। उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंसेज निकले तो लोगों ने चश्मा त्याग दिया। तो मतलब लोगों के मन में था कि चश्मे ना पहनने का कोई तरीका हो, इसी सोच को आगे लेते हुए एक ऑपरेशन निकला जिससे चश्मा हट सकता है। अच्छा। ये ऑपरेशन को 5 मिनट लगते हैं, एक आंख पे, दूसरे आंख पे 5 मिनट, बगैर सून करके, बगैर बेशुद्ध करके 10 मिनट में चश्मे का नंबर पूरा मिट जाता है। तो इसको बचपन में नहीं करते, 18 साल की उम्र हो जाए, नंबर स्टेबल हो जाए, वो मूविंग टारगेट को नहीं शूट करते। एक बार मन -3 हो तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए टेस्टिंग करके -3 रहे तो उसके बाद पेशेंट को फिट समझते हैं। जैसा कि आपने -3 कहा, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इस टेक्निकल टर्म को कि -3 क्या है, तो ज़रा सा बताएं कि ये नंबरों का क्या खेल है आँखों के साथ। जैसे बीमारी की डिग्री होती है वैसे आँखों का जितना वीक होते हैं नंबर के हिसाब से, वैसे -1, -2, -3 की लेंथ से वो ठीक होता है। अच्छा। तो जितना, जैसे आरपी सिंह साहब ने समझाया, आँख लंबी होती है तो ज़्यादा लंबी होती है तो नंबर ज़्यादा होता है, -4, -5, -6। तो इस तरह ये ऑपरेशन, ये पेशेंट लोग जिन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस ट्राई किया हो, थक गए कॉन्टेक्ट लेंसेज से, कॉन्टेक्ट लेंस की एलर्जी बहुत सालों पहनने से होती है, अगर आप 5 साल 10 साल पहने तो वो आँख, आप लेंस आँख में डालेंगे तो आँख लाल हो जाती है, तकलीफ़ देती है। तो दीज पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को कुछ सुला चाहिए, कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो एक सोल्यूशन एक है कि लेज़र से जो आँख का कॉर्निया है, ये फ्रंट जो लेंस है उसमें पावर है, उसको जैसे एक तरीके का रंधा लगाते हैं, उसको फ्लैट कर देते हैं और इस तरीके से लेंस का, आँख का पावर मिट जाता है।